शुरुआत भी धमाकेदार होनी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुजरात के इस चुनाव में सबसे अनुभवी, सबसे पुराने ऐसे नेता जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, शंकर सिंह बाघेला। केम छो शंकर भाई, मजा मा? रजत जी के शासन में, इनके दरबार में अच्छा है, ये लोक दरबार है आपका। और भी इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर शंकर सिंह बाघेला के पॉलिटिकल करियर पर। 77 साल के शंकर सिंह बाघेला गुजरात में सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात के हर इलाके को, वहां के वोटर्स के मिजाज को, मुद्दों को, राजनीतिक समीकरणों को और नेताओं को बखूबी जानते हैं। शंकर सिंह वाघेला की खासियत है कि वो वक्त को पहचानते हैं और उसके मुताबिक फैसला करते हैं। इसीलिए जनसंघ से राजनीति शुरू करने वाले वाघेला बीजेपी के सांसद भी रहे और कांग्रेस के भी, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे। जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अपनी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बन गए, फिर कांग्रेस से एमपी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। लेकिन कुछ ही महीने पहले वाघेला ने फिर से बगावत की, कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस के कई एमएलए उनके साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करीब से देखने के बाद वाघेला ने अब नया विकल्प देने का संकल्प लिया है। गुजरात में भले ही कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हो, लेकिन वाघेला के विकल्प को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।